गुड इवनिंग गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आजकल मेरी वीडियोस जो है वो काफ़ी लेट आ रही हैं, क्योंकि एक तो मैं फ्री हूँ और फ्री होने के बावजूद भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि फ्री होना वो सबसे बड़ा श्राप है तुम्हारे लिए ना। इसलिए तुम जो है वो खुश नहीं रह पाओगे, तुम खुश नहीं रह पाओगे, तुम ये सब कंटेंट नहीं बना पाओगे ना। इसलिए मेरा जो वीडियोस में बहुत डिले आ रहा है, बट डिले तो चलो हो गया, बट एक इनविटेशन भी था उसमें भी डिले हो गया है। मेरे को एक इनविटेशन था मेरे फ्रेंड का, उसकी बहन की शादी है, उसने मेरे को 2-3 बार फ़ोन किया, बुलाया था कि मेरे को वहाँ पे जाना ही था, पर एकदम से स्किप हो गया और मेरे को उनकी कॉल आई कि तू आया नहीं, तो एकदम से मेरे को याद आया कि हाँ मेरे को वहाँ जाना था। तो आज जो है हम निकल रहे हैं, तो शादी जो है वो डमटाल में है, तो अभी मैं जसूर पहुँच गया हूँ, तो फटाफट से जाते हैं और वहाँ उनके पास पहुँचते हैं, क्योंकि मैं घर से वीडियो नहीं बना के पाया क्योंकि मैं ऐसे ही लेट हो गया हूँ, और अगर वीडियो के चक्कर में पड़ा तो फिर बाद में ये ब्लॉग देखेंगे, फिर मेरे को चित्र मारेंगे साली तेरे को शादी में आना था, तो ये सब करने में लगा हुआ था। तो बट डोंट वरी, कुछ भी है साला, कुछ तो करना ही है, तो यही करते हैं साथ साथ में। तो 2-3-4-5 मिनट की वीडियो है, कोई नहीं, आपका बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अंत तक देखें और यार मेरे को और ग्रो करो यार कुछ करो। अब पहुंचने वाला हूं मैं अभी कंडवाल, तो जैसे हम कंडवाल पहुंचेंगे उसके बाद मैंने वहां से जो है वो बायलोथा वाले रोड से जा रहा हूं, उसके बाद डमटाल से 4-5 किलोमीटर मेरे को आगे जाना है। अभी पता तो नहीं है, मैंने उनको बोला लोकेशन भेज दो, पर वो लोकेशन कहाँ से भेजेंगे, वो खुद शगुन के लिए गए हुए हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचेंगे, मैं भी ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, तो वो मेरे को लोकेशन भेजेंगे, एग्जैक्ट मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को जाना कहाँ है, तब मैं आपको बताऊँगा। फिर दिखाते हैं यार कैसा रहता है एक्सपीरियंस शादी का। होप्स बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि जिनके पास मैं जा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स हैं मेरे, तो मैं भी होप कर रहा हूँ कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहे और बहुत शादी में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बंदे सारे आगे ग्रेट हैं। तो चलते हैं, अभी ड्राइव करते वक्त भी वीडियो कम बनानी चाहिए, तो थैंक यू, ऐसे ही मेरी वीडियो को देखो और यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो यार, और कमेंट कर दिया करो 5-6 जो है नीचे, ऐसे ही हेलो हाय वेरी गुड कुछ भी यार चलता है अपने को। इस टाइम जो है वो थोड़ी वो चाहिए, ट्रैफिक चाहिए अपने चैनल में, ट्रैफिक मांगता है अपने को। अब आप जैसे देख रहे हो मैं नेशनल हाईवे से लिंक रोड पर आ गया हूँ, ये रोड सीधा अपना जो है वो जलंधर वाले रोड पर जाके मिलेगा, साफ है रोड, ट्रैफिक भी कम होती है, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने इसलिए ये रास्ता चूज़ किया क्योंकि हम पठानकोट से होके आए तो बहुत दूर पड़ता है, हमारे लिए शॉर्टकट है, तो क्यों ना हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से वहां जाते हैं और पहुंचते हैं। ओके, सूरज निकला हुआ है, शाम होने वाली है, शाम हो गई है बेबी, रात होने वाली है। स्पोर्ट्स कार तो है नहीं, अल्टो कार मैंने घर से उठा ली है गाड़ी की विंडो वो भी ब्लैक नहीं है, वाइट करवा ली है। सड़कें खाली, गाड़ी तेज में चलाऊंगा, रोमांटिक गाने किसको सुनाऊंगा। हाँ तो आपको गाना सुना देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा कि चचल बचल क्या कर रहा है। तो ये था कौन सा गाना यार, ये हाँ शाम हो गई है, नहीं सॉरी शाम हो गई है बेबी, रात होने वाली है। स्पोर्ट्स कार मैंने घर से उठा ली है, गाड़ी की विंडोज काली करवाली है, सड़क के खाली, गाड़ी तेज में चलाऊंगा, रोमांटिक गाने स्टिल किसको सुनाऊंगा। तो अब जो है हम जलंधर हाईवे पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे बहुत प्यारा शिव जी का मंदिर है, आप जब भी यहाँ से गए होंगे आपने देखा होगा, बहुत प्यारा मंदिर है ये। यहाँ से मेरे को 7-8 किलोमीटर जाना है, बजरंग बली जी बैठे हैं, जय हो। तो वैसे ही मैं लेट हो गया हूँ, निकलता हूँ, दर्शन करते हुए जाऊँगा।
ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ।